बगदाद के सरजमी से हिंदुस्तान के सरजमी पर मोहब्बत मोहब्बत का पैगाम लाए। दादा सईदना की याद में उर्स मेला लगाया जाता है। और देखिए इस स्थान पे, इसी स्थान पे यहाँ पे उर्स मेला उनके द्वारा उनकी यादों को दिखाया जाएगा। और दूर दूर से जायरीन, जबकि यह जो दिखाने की सिलसिला जो है कल दोपहर 2 बजे से होगी, लेकिन जायरीन भी इंतजार कर रहे हैं अभी तक। और यहाँ पर एक स्टॉल भी लगा हुआ है, हम उस स्टॉल पे भी दिखाने का काम बात करेंगे कि इस स्टॉल पे उनसे जुड़े भी उनकी जानकारी, उनकी तारीख बताई जा रही है। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, उनके लिए यहाँ समुचित व्यवस्था रहने वहने का किया गया है। और फिलहाल जो है हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर जो क्या क्या व्यवस्था है इसको हम समझे, उसके बाद जो अभी तत्काल के सज्जादा नसी हैं, जो गद्दी नसी हैं, उनसे भी मिलेंगे। यहाँ पर कुछ उनसे जुड़ी हुई चीज़ें दी जा रही है लोगों को, और यह हम इस बारे में इनसे हम जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जो अभी सारे चीज़ों के बारे में जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्योंकि हमें अभी मिला है समय, मिलना है अभी जो गद्दी नसी है उनसे भी। और उनको बताइए जी, मैं पकड़ता हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए इसको दिखाते हुए बताइए। ये किताब है 14 रोशन सितारे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज हुजूर मिल्लत के हाथों से ये किताब रस्म इजरा हुआ है। और इसकी कीमत अभी 100 रुपया है, जो पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिगर ममालिक से लोग आए हुए हैं। 100 रुपया सहयोग लिया जाता है। जी जी जी, ये किताब की बात बाकी, यहाँ कोई धंधा नहीं, ये जो है ताबीजात मौजूद है, तोहफे के शक्ल में लोग ले जाते हैं। यहाँ पर जो सजाया क्यों जा रहा है तो दिखाइएगा। कल इंशाअल्लाह ताला रात में गुसल शरीफ सरकारी सैयदना पाक का है, और इंशाअल्लाह ताला बाद नमाज फजर कुल शरीफ, बाद नमाज फजर कुरान खानी है, 9:30 बजे सैयदना पाक के कुल शरीफ है। और अल्हम्दुलिल्लाह रात में जो सजावटें हैं, इंशाअल्लाह ताला नातिया मुशायरा, जो पूरे हिंदुस्तान के तमाम तर शोरा, अभी उसके शान में मुशायरा का आयोजन होगा क्या, और जो दिखाया जाएगा वो जारत इसी स्थान पर करवाया जाएगा क्या? कल बाद नमाज जोहर बहुत सारे तबरुकात है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, वो तबरुकात यहाँ मौजूद है। सामान देख रहे हैं, सब सजावटें जो देख रहे हैं, कल बाद नमाज जोहर तबरुकात जियारत है। और बाद नमाज ईशा हिंदुस्तान के हर एक कोने से तमाम शायर आएंगे, इंशाअल्लाह ताला मुशायरा का भी इंतज़ाम है, और बहुत अकाबरीन जितने उलमा हैं सब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बारगाह ए बिल्कुल, देखिए अपना जो भी दिखाना रहता है, प्यार दिखाना होता है, मोहब्बत दिखाना होता है, अपने अपने तरीके से लोग दिखाते हैं। कोई चादर चढ़ा के दिखाते हैं, तो कोई उनका दर्शन करके दिखा रहे हैं। जिनके पास काबिलियत है मुशायरा के माध्यम से, उनके शान में मुशायरा करेंगे। तो अभी हम फिर चलते हैं जो यहाँ के गद्दी नसी हैं, सजादा हैं, उन सजादा से हम मुलाकात करेंगे, उनसे हम जानेंगे इस स्थान के बारे में। तो आप चलिए मेरे साथ। तो अभी आप उस स्थान को देखा जहाँ पर ज़ियारत दिखाया जाएगा, मुशायरा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन हम यहाँ भी मिलने आए हैं उनके वंशज से, जो यहाँ के गद्दी नसी हैं, सैयद नय्यर कादरी साहब, उनसे हम मुलाकात। सैयद सरफुद्दीन नय्यर कादरी साहब आए हैं अभी पर, यहाँ उनके आदेश से यहाँ दुआ कर रहे हैं, दुआ लोगों को देते हैं। और जो भी यहाँ पर जो अमल की जो भी चीज़ें हैं वो करते हैं, और दिन रात यह लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। तो बहुत व्यस्त समय है इनका, फिर भी हम हमसे बात करने के लिए राजी हुए हैं। इनका बहुत बड़ा बड़कपन है। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने व्यस्त समय में हमसे बात करने का समय निकाला है। हम अपनी तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, वक्त किसी का पाबंद नहीं है, वक्त के सब पाबंद हैं। आपकी मोहब्बत है, आप आए, इसलिए कि ये खानकाह जो है तमाम लोगों के लिए है। आप देखिए अभी दशहरा का मेला भी लगा हुआ है, जिसमें कम से कम लाखों हिंदू आए हुए हैं, अब मुसलमान का भी लगा हुआ है। अब दोनों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बड़ी दरगाह में दोनों आते हैं, सैयदना मोहम्मद कादरी के यहाँ, अब मैं दोनों की जिम्मेदारी देखता हूँ। हमारे लोग आए हुए हैं बाहर से, बिहार बंगाल उड़ीसा से, वॉलंटियर हमारे हैं, 700 वॉलंटियर हैं काम करने वाले।
अल्लाह का बिल्कुल आपकी मोहब्बत ही हमें भी खींच कर लाई है और इतने लोगों को खींच कर लाए हैं। आपने जो मोहब्बत का पैगाम दिया है और यह सिलसिला दादा सैयदना से चला आ रहा है, उस परंपरा को आपने कायम रखा है, यह आपकी बड़कपन है। लेकिन हमारे जो ऑडियंस है, जो पूरे देश के कोने कोने से हमारे जो ऑडियंस है, सऊदीया से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह से लोग देखते हैं, हमसे पूछते हैं, क्योंकि मैं पिछले बार सूचना दिया था कि इस बार उर्स नहीं होगा कोरोना महामारी के कारण, तो लोग पूछ रहे थे कि अमजद शरीफ के बारे में, तो यहाँ ज्यारत में क्या क्या दिखाया जाएगा, कौन सी पवित्र वस्तुएं हैं उसके बारे में बताएं। यहाँ जो है सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि सैयदना मोहम्मद कादरी की मोहब्बत, मोहब्बत जो है हमारे रसूल से चली है। पहला तालीम हमको मोहब्बत ही का रसूल अल्लाह से मिला है, उसके बाद नस्लन पर नस्लन सैयदना तक आया, फिर हम लोग को हम ही लोग मोहब्बत देते। तबर्रुकात शरीफा जो हमारे यहाँ है पूरे हिंदुस्तान में उतनी नहीं है जितना हमारे यहाँ है। मुए मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हजरत अली का कमरबंद जिसको बांध के आपने खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा था, जिस पर पूरी नाद अली लिखी हुई, नाद अली एक दुआ है। हजरत बीबी फातिमा जहरा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, उनके बैठने ओढ़ने की सुजनी है जो 70 और 72 पेवन की है। आज के दौर में जबकि एक पेवन लगता है तो नहीं पहनते लोग। और फिर हमारे जो जद्दे आला गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुए, उनके हाथ की लिखी हुई एक कलाम पाक है जो इस साइज में है, एक वर्ख में एक पारा और 30 वर्ख में 30 पारा कुरान शरीफ, इतना साफ है कि आप पढ़ सकते हैं। फिर उनका खिरका है, एबा है, चोगा है, कफन फकराई है, ये हम लोग जो टोपी पहनते हैं ये दर्जनों के हिसाब से 100 की तादाद में हम मंगाते हैं, अपने मुरीदीन को बांटते हैं टोपी। ये टोपी सरकारे गौसे पाखी के देख के उतारा है हम लोगों ने, आइए अपनी कादरी टोपी पहचान है। पूरे हिंदुस्तान में लोग इसको जहाँ जहाँ से भी हमसे मुरीद हैं या गुरुमुख है वो पहनते हैं। और सैयदना पाक की तमाम चीज़ है, गौसे पाक के हाथ की लिखी हुई कलाम पाक का बताया आपको हमने, और खिरका है, एबा चौ है, जानिमाज है, तस्बीह है, बहुत सारी तबरुकात है। एक हजरत अली करमल्ला वज करीम के हाथ की लिखी हुई कलाम पाक है 1.5 मीटर के कपड़े पर, इतनी महीन है कि वो मोटे शीशे से पढ़ा जाता है। कभी अगर आप लोग आए इंशाल्लाह ताला, रबी अव्वल की पहली तारीख को 30 के हिसाब से ज्यारत होती है, अगर 29 का चांद हुआ तो 2 रबी अव्वल को, 30 का चांद हुआ तो पहली रबी अव्वल को। बिल्कुल, आपने बहुत ही पवित्र चीज़ें के बारे में बताया, मैं तो ध्यान से आपको सुन रहा था। मैं आप और जो हमारे ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, उनसे कहेंगे कि बिहार जो देश के कोने कोने से है, अगर यहाँ अमजद शरीफ जगह का नाम है, बिहार में पड़ता है औरंगाबाद जिला में, तो यहाँ जो भी दर्शक देख रहे हैं यहाँ आने के लिए कहाँ से गाड़ियाँ मिलेगी, थोड़ा सा बता दें। कहीं से भी आप आइए, आपको अगर अवनगरा नारायण रोड है और नहीं तो बहुत सारी गाड़ियाँ गया में रुकती हैं, गया बहुत मशहूर जगह है, गया से आप रिजर्व करके गाड़ी भी आ सकते हैं, नहीं तो वहाँ से बस चलती है 65 किलोमीटर दूर। यहाँ जायरीनों को रुकने और रहने ठहरने का अगर कोई आते हैं दूर से तो यहाँ क्या व्यवस्था है? हमारे खानका कादरिया मोहम्मदिया की तरफ से करीब करीब 100 रूम जो फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है उसका, न खाने का न रहने का। हमारा बर्ची खाना है, आप जाके वहाँ देखें, मुस्तकिल 24 घंटा खाना बनता है। 19 बावर्ची खाना बनाने के लिए भद्रक शरीफ से आते हैं, अब 5 नान रोटी बनाने के लिए, तंदूर वाली रोटी बनाने के लिए हैदराबाद से आते हैं। जबरदस्त, मतलब भारत के किसी भी कोने से आप आ सकते हैं यहाँ, आपकी किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। और ख़ास करके जिन नायाब चीज़ों के बारे में आपने बताया, जो हमारे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा आप यहाँ आना चाहते हैं तो क्या देखना चाहिए था? क्या कभी ऐसा म्यूजियम के बारे में आपने कभी सुना है या देखा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ख़ास करके हम जो सजादा जो गदी नशी हैं नैयर कादरी जी का, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जो सिलसिला शुरू किया आपके पूर्वजों ने मोहब्बत का पैगाम देने का, आपने उसे जारी रखा, पैगाम हम लोग भी दे रहे हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने आपका, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोगों से हम लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आपस में भाईचारगी, आप मोहब्बत बना के रखिए,
देश हमारा तरक्की कर जाएगा। सोने की चिड़िया पहले थी, अब भी सोने की चिड़िया बन जाएगी। सिर्फ मोहब्बत ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में एक दूसरे को करीब कर सकती है। चलिए देखिए सहिया दादा सईदना का जो रहमो करम है, इतने सुंदर विचार यहाँ पर आए हैं और वहाँ पर हम बावर्ची खाना भी देखेंगे और कुछ डायरीन आए हैं उनसे भी बातें भी करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।